वेलकम टू GKGS विथ मनीष सर। आज 1 अक्टूबर 2022 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 30 सितंबर को। अब देखो, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर की स्थापना 1953 में हुई थी। इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया गया, इसका थीम था ए वर्ल्ड विदाउट बैरियर। ठीक है, यह दिवस हर साल 30 सितंबर को सेंट जोरेम की पुण्यतिथि पर मनाई जाती है। किसकी पुण्यतिथि मनाई जाती है? तो सेंट जोरेम की पुण्यतिथि पर मनाई जाती है। देखो, यह बाइबल के अनुवादक हैं जिन्हें अनुवादक के संत के रूप में जानते हैं। अब देखो, इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं, और ये महीना का आखिरी इंपॉर्टेंट डे भी था आपका, विश्व अनुवाद दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 30 सितंबर को मनाया गया था। तो देखो, विश्व नारियल दिवस मनाया गया 2 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया 5 सितंबर, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर, नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस 7 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर, शिक्षक को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 सितंबर, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 11 सितंबर, हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया गया, विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस 15 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर, अभियंता दिवस 15 सितंबर, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व रोग सुरक्षा दिवस 17 सितंबर, विश्व बांस दिवस 18 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व गेंडा दिवस 22 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय संकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर, राष्ट्रीय सिनेमा दिवस 23 सितंबर, अंत्योदय दिवस 25 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस 25 सितंबर, विश्व नदी दिवस 25 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस 26 सितंबर, विश्व गर्भ निरोधक दिवस 26 सितंबर, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर, विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर, विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 30 सितंबर को मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। अब अगला प्रश्न आपका है, टीम वर्ल्ड ने टीम यूरोप को हराकर पहली बार लेबर कप 2022 जीता है, इस कप का संबंध किस खेल से है? इस कप का संबंध है टेनिस से। किससे है? टेनिस से है। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? तो ये बने हैं अनिल चौहान। कौन बने हैं? अनिल चौहान। अनिल चौहान को उत्तम सेवा युद्ध मेडल, परमवीर विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया, अतिरिक्त सेवा मेडल दिया गया, और सेना मेडल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया इन्हें। किन्हें? तो अनिल चौहान को। देखो, भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो थे वो जनरल बिपिन रावत थे, और उनकी पत्नी थी मधुलिका रावत। इनकी मृत्यु 8 दिसंबर 2021 को हुई थी। उसके बाद यह पोस्ट खाली था 8 महीने तक करीबन। उसके बाद अभी कौन बने हैं? अनिल चौहान बने हैं भारत के CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अब अगला प्रश्न आपका है, किस राज्य में ने बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड जीता है? ठीक है, कौन सा राज्य बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड जीता है? तो यह जीता है उत्तराखंड। कौन जीता है? तो उत्तराखंड जीता है। अब देखो, उत्तराखंड को यह दिया गया विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर। ठीक है, तो आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में कि यह दिवस मनाया कब जाता है, विश्व पर्यटन दिवस। ठीक है, उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी है देहरादून, और ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण। क्या है? गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। देखो, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड में खोला गया। मुख्यमंत्री ने समर्थन ई गवर्नेंस पोर्टल का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य था उच्च शिक्षा में व्यापक सुधार करना। भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में खोला गया। कौन सा पार्क? तो भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में खोला गया। भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य जो बना, ये उत्तराखंड बना। सूर्यधार झील देहरादून में है। नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड बना है। पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधे की प्रजाति जो मिली है, इतर उत्तराखंड में मिली है। ऑपरेशन मुक्ति अभियान उत्तराखंड में शुरू हुआ। कहाँ शुरू हुआ ऑपरेशन मुक्ति अभियान? तो उत्तराखंड में शुरू हुआ। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। राज्यसभा कितना है? 3, लोकसभा 5। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिसका पुराना नाम था हैरी नेशनल पार्क।
अब इसका नाम बदल दिया गया है और फिर कर दिया है क्या, तो इसका नाम है अब राम गंगा नेशनल पार्क। किसका? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का। इसकी स्थापना कब हुई? 1936 में हुई और यह राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से राम गंगा रिवर निकलती है। नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है और राजाजी नेशनल पार्क जो है ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में एक बांध भी है, टिहरी बांध, भागीरथी नदी पर है और उत्तराखंड में है। कौन सा बांध? टिहरी बांध। अब अगला प्रश्न आपका है, आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 किस राज्य को दिया गया? तो यह दिया गया उत्तर प्रदेश को दिया गया। किसे दिया गया? तो उत्तर प्रदेश को दिया गया आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 का। यह पुरस्कार नेशनल हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए दिया गया है। 2 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता खोलने वाला देश का दूसरा राज्य जो बना है ये उत्तर प्रदेश बना है। उत्तर प्रदेश सब्जियों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और मैनपुरी सैनिक स्कूल जो है इसका नाम अब हो गया जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल और यह है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है। बाल श्रमिक विद्या योजना यूपी में शुरू हुआ। नमूना संग्रह अभियान यूपी में चल रहा है। किथम झील आगरा में है, यह इसको रामसर में शामिल किया गया है। तो आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में कि भारत में वर्तमान में कितने रामसर स्थल हैं और सर्वाधिक रामसर स्थल जो है वो किस राज्य में है और उत्तर प्रदेश का इसका क्या स्थान इसमें है? रामसर में। उत्तर प्रदेश में कितने रामसर स्थल हैं? इसका जवाब देना कमेंट बॉक्स में, यानी कि आप रामसर के बारे में जो भी बातें जानते हो उसकी जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में देनी है। धरा नामक एंटी भू माफिया सॉफ्टवेयर विकसित किया गया यूपी के द्वारा। मिशन शक्ति कार्यक्रम महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए किया गया उत्तर प्रदेश के द्वारा, ठीक है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है और किसानों की आय को दुगना करने के लिए पंचा अमृत योजना शुरू किया उत्तर प्रदेश। नाइट सफारी शुरू करने की घोषणा की गई है लखनऊ में और लखनऊ है गोमती रिवर के किनारे। यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। राज्यसभा कितना है? 31 और लोकसभा कितना है? 80। दुधवा नेशनल पार्क यूपी में है। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य यूपी में है। पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान यूपी में है। अमानगढ़ बाघ रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पे है? कानपुर में है भारतीय दलहन शोध संस्थान। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है और लखनऊ कौन सी रिवर के किनारे है? तो गोमती रिवर के किनारे है। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर जो आपका है लखनऊ में है और इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को, यानी कि सीडीबी की स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को। किसकी? तो सीडीबी की। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में 36वें कौन सा? तो हाल ही में 36वें नेशनल गेम्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कहाँ किया गया है? तो यह किया गया गुजरात में। मैंने बताया था कुछ दिन पहले कि गृह मंत्री अमित शाह ने इस खेल के लोगो और शुभंकर का उद्घाटन किया था गुजरात के अहमदाबाद में। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है, ठीक है। देखो यह खेल का आयोजन हो कहाँ रहा है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो रहा है और कहाँ पे यह है? तो अहमदाबाद में। अहमदाबाद जो है कहाँ पे है? गुजरात में। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। राज्यसभा कितना है? 11। लोकसभा कितना है? 26। गीर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। नल सरोवर अभयारण्य गुजरात में है। पोरबंदर लेक वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। डिफेंस एक्सपो के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? यूपी में हुआ। बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो गुजरात। और डिफेंस एक्सपो के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? तो गुजरात में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? गुजरात में, ठीक है। ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट बिल डिलीवरी करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात बना है। देश की पहली न्याय की घड़ी गुजरात हाईकोर्ट में लगाई गई है। विश्वामित्री नदी परियोजना विश्वामित्री रिवर पे है गुजरात में। और राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर जो खोला गया है वो लोथल पे खोला गया है। कहाँ खोला गया? लोथल पे। और लोथल सबसे प्राचीनतम बंदरगाह जो आपका है वो लोथल है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थान है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से स्वर कोकिला लता मंगेशकर की जयंती पर लता मंगेशकर सम्मान 2021 किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है कुमार सानू को। किसे दिया गया है? तो कुमार सानू को यह लता मंगेशकर सम्मान दिया गया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। देखो, राज्य की संस्कृत मंत्री अनुराग ठाकुर ने शैलेंद्र सिंह को 2019 का, आनंद मिलिंद को 2020 का और कुमार सानू को 2021 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस सम्मान की स्थापना 1984 में की थी। कब की थी? तो 1984 में की थी। अब अगला प्रश्न आपका है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है 40। क्या है? तो भारत का स्थान जो आपका है वो 40 है।
ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं आगे, तो देखो यह सूचकांक में पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर अमेरिका, तीसरे स्थान पर स्वीडन, और यह पुरस्कार में भारत का स्थान कितना आया है, तो भारत का स्थान आया है, कौन से नंबर भारत है, तो भारत इस स्थान पे है 40वें नंबर पर। देखो अब इस साल और भी बहुत सारे सूचकांक आए, जैसे कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में फिनलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 46 है। वैश्विक शांति सूचकांक 2020 में आइसलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 135 है। ग्लोबल जेंडर गैप 2022 में आइसलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान क्या है, तो 135 है भारत का स्थान। तो ये था आज का आपका करंट अफेयर। मैंने कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में मोहम्मद बिन सलमान किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो यह बने हैं सऊदी अरब के। कहाँ के बने हैं, सऊदी अरब की। अब देखो कतर, ऑप्शन में कतर है, तो कतर की राजधानी दोहा है और मुद्रा है कतरी रियाल। ईरान की राजधानी तेहरान है, मुद्रा है ईरानी रियाल। ओमान की राजधानी मस्कट है और मुद्रा है ओमानी रियाल। क्या है, ओमानी रियाल। और सऊदी अरब की राजधानी रियाद, सऊदी अरब की राजधानी जो आपकी है वो रियाद है और करेंसी है रियाल। क्या है, करेंसी क्या है, सऊदी रियाल। आज का आपका प्रश्न है, भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ कौन बने हैं, तो इसका जवाब देना आपको कमेंट बॉक्स में है कि भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ कौन बने हैं। ठीक है, इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा और टेलीग्राम लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।